नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बेसन की बूंदी बनाएंगे। इन्हें हम रायते में यूज़ करते हैं, चाट में यूज़ करते हैं और इनकी नमकीन भी बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेसन की बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। हमने प्याले में एक कप बेसन ले लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम पहले गाढ़ा गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोलेंगे। यह हमने गाढ़ा चिकना घोल बना लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा पतला करेंगे। हम एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालते, क्योंकि बेसन में अगर एक साथ ज़्यादा पानी डाल दें तो बेसन की गुठलियाँ ख़त्म होने में बहुत देर लग जाती है और हमारा घोल पतला भी हो सकता है। एक टेबल स्पून तेल डालेंगे। अब हम बेसन को 4-5 मिनट तक फेंटेंगे। घोल को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया और हम देखेंगे पोरिंग कंसिस्टेंसी है, एकदम स्मूथ घोल बना है। और ये घोल बनाने में हमें 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, घोल तैयार हो गया है। बूंदी बनाने के लिए तेल गरम कर लेते हैं और जब तक तेल गरम हो रहा है घोल को हम और 1-2 मिनट फेंट लेते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ज़रा सा बेसन तेल में डालते हैं। बूंदी तुरंत सिक कर तैर कर आ रही है। तेल अच्छा गर्म है और हमें बूंदी तलने के लिए तेल ऐसा ही गर्म चाहिए। और बूंदी बनाने के लिए हमने ये झारा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा बेसन डालेंगे। झारे को हम धीरे धीरे से टैप करते जाएंगे और बूंदी तेल में गिरती जाएंगी। तो एक बार में जितनी बूंदी कढ़ाई में आ जाएंगी उतनी हम डाल देंगे और बूंदी को थोड़ा सा हिला देंगे अब हम, और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। हमारी बूंदी एकदम गोल आई है। अगर बूंदी लंबी आए तो हमारा बेसन थोड़ा गाढ़ा है, यानी कि उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और उसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर लें। अगर बूंदी फ्लैट आ रही है, फूल नहीं रही है, तो बेसन पतला है। फिर उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाएं और कंसिस्टेंसी सही कर लें। बूंदी गोल्डन ब्राउन हो गई है, क्रिस्प हो गई है। निकालने के लिए कोई भी ऐसी छलनी ले लेंगे जिससे बूंदी निकालेंगे, ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। बूंदी को निकाल कर टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे। सारी बूंदी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। बूंदी हम घर की कलछी से भी बना सकते हैं, जिससे हम पूड़ी तलते हैं, लेकिन उसके थोड़े से छेद बड़े होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से बनानी है। इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अपनी कलछी को टैप करेंगे। बूंदी को तलना तो बिल्कुल उसी तरीके से है। यह हमने सारी बूंदी तलकर तैयार कर ली। एक बार की बूंदी तलने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। बूंदी बनकर तैयार हो गई है। हम इन्हें बिना मसाले के फीकी ही ठंडा करके स्टोर कर सकते हैं और मसाला भी मिला सकते हैं। पैन गरम कर लेते हैं और इसमें 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। ये 15-20 करी पत्ते हैं, इन्हें हम तेल में भूनेंगे। पत्तों को हमें एकदम क्रिस्प होने तक भूनना है। आग धीमी रखेंगे। पत्तों से चटर पटर की आवाज़ आनी बंद हो गई है, क्रिस्प हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। करी पत्ता क्रिस्प हो गए हैं, क्रश कर लेते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला लेंगे इन्हें। और ये मसाला बूंदी में डालकर मिलाएंगे। बूंदी में आप अपनी पसंद के अनुसार मसाले, काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, भुना जीरा पाउडर डाल सकते हैं और मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमकीन मसाले वाली बूंदी बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी बूंदी बनी है, बड़ी आसानी से बन जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप बैटर बनाएं तो कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। तलते समय तेल ज़्यादा गर्म हो। कम गरम तेल में बूंदी तलने के लिए डाल देंगे तो वो फूल कर नहीं आएंगी। कढ़ाई में उतनी ही बूंदी डालें जितनी कि आसानी से आ जाए। आप बहुत अच्छी बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। बूंदी को पूरी तरह ठंडी होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इन्हें पूरे 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए,
यूज़ कीजिए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।